सुशांत सिंह राजपूत केस में उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा खुदकुशी कर सकता है। हालांकि सीबीआई टीम की जांच भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स एंगल निकला है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका पेट का खाली आना और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने दिन रात एक कर दिया है। इसी बीच सुशांत के पिता के सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया मेरे बेटे को लंबे समय से जहर पिला रही थी, उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। रिया को और हत्या से संबंधित लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने बुधवार को कहा है कि अभिनेता के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए शायद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बिना उनकी जानकारी के उन्हें प्रतिबंधित ड्रग दिया हो। वकील के अनुसार अभिनेता के परिवार ने शुरू में सोचा था कि सुशांत को डॉक्टर की पर्ची के आधार पर जो दवा दी गई उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कर दी गई। वकील ने कहा, लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि उन्हें बिना उनकी जानकारी और सहमति के प्रतिबंधित ड्रग दिया जा रहे थे। ऐसा उनके दिमाग को नियंत्रित करने और उन्हें सामान्य स्थिति से दूर रखने के लिए किया गया। अधिकारियों के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने प्रतिबंधित ड्रग का धंधा और इस्तेमाल करने को लेकर रिया और अन्य के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया है।